हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस। तो डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन बहुत आसान होता है। इससे पहले वीडियो में हमने मल्टीप्लिकेशन सीखा था, तो जिसने मल्टीप्लिकेशन सीखा है उसे डिवीजन इजीली आ जाएगा, क्योंकि डिवीजन में हम मल्टीप्लिकेशन ही करते हैं। चलिए सीखते हैं कैसे। ओके, तो यहाँ पर हमने लिखा है एक फ्रैक्शन 1/2, जिसे हमें डिवाइड करना है 3/7 से। तो हम कैसे डिवाइड करेंगे, देखिए। पहला फ्रैक्शन हम ऐसे ही लिखेंगे 1/2। ओके, और ये डिवीजन को जो साइन है इसे हम चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, क्योंकि हम सीधे सीधे डिवीजन नहीं कर सकते, तो हम इस डिवीजन के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। और इसे चेंज करने के बाद हम क्या करेंगे, इस फ्रैक्शन को भी पलट देंगे। मींस न्यूमरेटर हो जाएगा डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर हो जाएगा न्यूमरेटर। तो ये 3/7 है, तो हम इसे लिखेंगे 7/3। ओके, अब आप देखेंगे सिंपल से, ये मल्टीप्लीकेशन है। मल्टीप्लीकेशन तो आपने सीखा है कि हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लीकेशन और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे आप सीधे सीधे, 7 1s are 7 एंड 3 2s are 6। तो ये बन गया एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो हम डिविजन करेंगे, देखिए इम्प्रॉपर क्यों है, क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा है तो न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, वो हम करते हैं डिविजन से। तो 6 1s are 6, जो 1 बचेगा वो न्यूमरेटर में जाएगा और जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर रहेगा। तो ये हो जाएगा 1 1/6। ओके, सेकंड है आपका 4/5, जिसे हम डिवाइड करेंगे एक होल नंबर 4 से। तो इसमें भी सेम वही प्रोसेस है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, पहला फ्रैक्शन हम ऐसे ही लिखते हैं। ओके, फिर हम डिविजन के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं। अब आप यहाँ पर देखेंगे ये होल नंबर है, तो हम इसे फ्रैक्शन बना लेते हैं, इसके डिनोमिनेटर में 1 लिखकर। 1 लिखने से इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है, क्योंकि हर नेचुरल नंबर, हर होल नंबर के डिनोमिनेटर में 1 होता है, लेकिन 1 लिखा नहीं जाता है। तो ये 4/1 का मतलब 4 है। ओके, तो हमने इसे इजी बनाने के लिए 1 लिख दिया इसके डिनोमिनेटर में। अब हम क्या करेंगे, हमने डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया है, तो हम इस फ्रैक्शन को पलट देंगे। मींस इसका जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा 1, और जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/4। ओके, अब आप यहाँ पर देखेंगे कि हम न्यूमरेटर से न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन अगर कैंसिलेशन हो रहा हो तो हम कैंसिलेशन करते हैं। तो कैंसिलेशन मल्टीप्लीकेशन का साइन है, तो हम ऐसे में भी कैंसिलेशन कर सकते हैं। ओके, तो 4 1s are 4 एंड 4 1s are 4 कैंसिल हो गया। अब न्यूमरेटर में 1 है, तो 1 1s are 1 हो जाएगा, और इनका मल्टीप्लीकेशन 5 1s are 5 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका एक मिक्स फ्रैक्शन का डिवीजन दूसरे मिक्स फ्रैक्शन से। तो मिक्स फ्रैक्शन को पहले हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 3 3s are 9 plus 2 11 11/3। डिवीजन का साइन एज इट इज रहने दीजिए, क्योंकि अभी इसे भी चेंज करना है। तो 5 2s are 10 10 plus 1 11 11/5। ओके, अब सेम वही प्रोसेस जो हमने ऊपर की है, 11/3 एज इट इज रहेगा, और इसे हम चेंज करेंगे डिवीजन के साइन को मल्टीप्लाई में, और यहां पर फ्रैक्शन को भी चेंज कर देंगे। इसका डिनोमिनेटर बन जाएगा न्यूमरेटर 5/11। ओके, हमने चेंज क्यों किया, क्योंकि हमने डिवीजन के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज किया है, तो डिवीजन के साइन के जो आगे वाला फ्रैक्शन होता है उसे हम पलट देते हैं। ठीक है, अब आप यहां पर देखेंगे कि यहां पर भी कैंसिलेशन हो सकता है। इसके न्यूमरेटर में 11 है, इसके डिनोमिनेटर में 11 है, तो 11 से 11 1 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1s are 5 एंड 3 1s are 3। तो यहां पर क्या हुआ, ये भी एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि इसका न्यूमरेटर बड़ा है, तो हम इसे डिवीजन से चेंज कर देंगे मिक्स फ्रैक्शन में। तो 3 1s are 3 और 2 बचेगा आपका 2/3। तो इस तरह से हम एक फ्रैक्शन का दूसरे फ्रैक्शन से डिवीजन करते हैं, और डिवीजन करने के लिए इससे पहले आपको मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए। ओके,